नमस्कार, मैं कुसुम, आप देख रहे हैं खबर हरपन न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास सुर्खियों की ओर। शहर में थाने से कुछ ही मीटर की दूरी पर दिन दहाड़े गोली चल रही हो, क्या आप शहर को सुरक्षित मानेंगे? गोलीबारी भी एक दिन पहले कॉलेज छात्रों के झगड़े का ही परिणाम हो तो क्या इसे पुलिस की लापरवाही ना माना जाए? वह तो गनीमत रही कि क्षेत्रीय विधायक सतीश सिकंदर समय पर घटना स्थल पर पहुंच गए और उन्होंने युवक से कट्टा चढ़ा लिया, वरना गोलीबारी में किसी की जान भी जा सकती थी। कल ही शहर के प्रतिष्ठित कॉलेज महारानी लक्ष्मीबाई कॉलेज में एक युवक पर मुंह बांधे कुछ युवकों ने क्लास में घुसकर जानलेवा हमला कर दिया था। उसी घटना का बदला लेने आज घायल युवक के साथियों ने कॉलेज में चल रही परीक्षा के बाद दूसरे गैंग को चैलेंज करते हुए कॉलेज बुलाया। दोनों गुटों का सामना कॉलेज से कुछ ही दूरी पर हो गया था और दोनों गुटों में काफी देर तक लात घूंसे चलते रहे। झगड़ा इतना बढ़ गया कि बीच सड़क पर दोनों गुटों ने कट्टे भी निकाल के फायर कर दिए। पूरे क्षेत्र में दहशत फैल गई। सड़क पर चल रहे इस झगड़े व गोलीबारी से क्षेत्र में दहशत फैल गई। क्षेत्रीय विधायक सतीश सिकरवार वहां से गुजर रहे थे। झगड़ा देख बीच बचाव के लिए दोनों गुटों के बीच खड़े हो गए, साथ ही उन्होंने एक युवक से कट्टा भी छीन लिया। दो पक्षों में विवाद हो रहा था, आपका एकदम से निकलना हुआ, तो किस तरह से आपने देखा, किस तरह में बात कर रहे थे? मैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स में उठावनी थी, उस उठावनी में गया था। लगभग 5:15 बजे की बात है, जैसे उठावनी से बाहर निकला तो वहाँ दो पक्षों में गोलियाँ चल रही थी और बहुत तमाशा भी वहाँ देखने खड़े हुए थे चारों तरफ से, लेकिन कोई हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। उनसे हथियार थे, दोनों तरफ से गोलियाँ बराबर चल रही थी, तो मैं उस बीच में गया और मैंने एक को पकड़ा जिसके हाथ में कट्टा था। मैंने उसका कट्टा छीनने का प्रयास किया, फिर वो थोड़ा सा करना पड़ा, लेकिन बाद में मैंने उसका कट्टा छीन लिया और पुलिस को फ़ोन किया। मैंने CSP को फ़ोन लगाया, तत्काल पुलिस आई और उनको पकड़ भी लिया और कट्टा मैंने उनको पुलिस को दे दिया। वैसे देखने में आता है कि जब गोलियाँ चलती हैं लोग भागते हैं, दूर हो जाते हैं। नहीं, वो उस समय जब गोलियाँ चल रही थी तो लोग खड़े होकर तमाशा देख रहे थे, लेकिन उनके पास जाने की हिम्मत कोई नहीं जुटा पा रहा था। जब मैंने हिम्मत जताई तो फिर सारे लोग इकट्ठे हुए थे। आपके बीच रहते तो हुए एक बड़ा सटक था। हाँ, निश्चित रूप से थाने के सामने ही गोलियाँ चल रही थी और वो हादसा हो जाता बड़ा अगर सब लोग अगर वहाँ नहीं पहुँचते मौके पर। मैं मौके पर ही पहुँच गया था, मैंने सब छुड़ा लिया था और फोन भी किया, पुलिस भी आ गई, तत्काल कार्रवाई हो गई। ये कल एक कंपू थाना क्षेत्र में स्थानीय MLB कॉलेज में एक झगड़ा हुआ था जिसमें एक छात्र बुरी तरीके से घायल हुआ था। उसने अपनी FIR में चल रहे एक आरोपी बताया था और आज उन्हीं लड़कों के जो दोस्त थे उनके एग्ज़ाम थे MLB में और दोनों गुट अपनी अपनी तैयारियों से आए हुए थे, लड़ाई लड़ने की तैयारियों से, और उनके आपस में झगड़ा हुआ है, इसमें फायरिंग भी हुई है। अभी हम जाँच पड़ताल कर रहे हैं कि इसमें कौन कौन शामिल है। इसमें विधायक का कोई इन्वॉल्वमेंट? विधायक जी के द्वारा फ़ोन से बताया गया था कि झगड़ा है और उन्होंने जब झगड़ा चल रहा था उसके दौरान विधायक जी वहाँ पहुँचे थे सर।